हुकूमत की जानिब से टैक्स में इजाफे से खवातीन भी परेशान हैं। औरतों के सजने संवरने की अशिया महंगी हो गई। देखते हैं कराची से रुताबा रूस की ये रिपोर्ट। खवातीन को हर तकरीब में सबसे मुनफरद सबसे अच्छा दिखना होता है और सजने संवरने में मेकअप का किरदार कलीदी है। टैक्स में इजाफे से खवातीन के बनने संवरने के सामान की कीमतें भी बढ़ गई हैं। खवातीन का मेकअप खरीदना इंतहाई जरूरी है, लेकिन मार्केट का रुख करती हैं तो कीमतें सुनकर मुश्किल में पड़ जाती हैं। आए दिन रेट प्राइस बढ़ती जा रही है। बजट एक दफा था, इनका रोजाना का बजट आ रहा है। मेकअप हमें चाहिए ही चाहिए होता है, थोड़ा कम कर दे जैसे हम और खूबसूरत दिखे। पहले चीज 500 रुपए की थी, वो चीज 800 रुपए हो गई। इतनी महंगाई बढ़ा दी हुकूमत ने कि समझ ही नहीं आ रहा कोई चीज क्या खरीदे बंदा। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई में इजाफे के साथ इनकी फरोख भी मुतासर हुई है। टैक्स इतना लग गया, ये पहले था हम लोग 250 रुपए का बेचते थे, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद 350 रुपए के हो गए। 350 से अब ये डायरेक्ट 650-650 रुपए हो गए। कहाँ से पब्लिक खरीदी, हमने भी खरीदने कम कर दिया। जो चीज़ की मेरी तफसील 80% थी, आज वो 30% रह गई है। इस सूरत में आप ये देखिए, दुकानदार मुतासर, जो प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास वो मुतासर, प्लस ये कि जिन कंज्यूमर को हम दे रहे हैं वो मुतासर। खवातीन के बनाव सिंगार के सामान की आसमान से बातें करती कीमतों से खवातीन के साथ साथ दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। खवातीन के लिए मेकअप जरूरी है, लेकिन हुकूमती फैसले के बाद खवातीन को तैयारी के लिए अब ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़।